Hey guys, this is Techword, and before starting the video, let's talk about this thing. Please wash your hand with sanitizer and uninstall the TikTok app from your phone, जैसा technical guru जी ने किया. पता है सबसे अच्छी चीज लगी वो मेरे को. तो बात करते हैं वीडियो के बारे में. तो मेरे को बताओ यार, आपको कैसा लगेगा कि आपको सॉन्ग सुनने के लिए अपने एप्पल वॉच उतार के उसकी स्ट्रैप्स निकाल के उसे एक आईपॉड केस में फिट करने पड़े तब आपको सॉन्ग सुनने का मौका मिले. मतलब यार सीरियसली, कौन आज के जमाने में इतनी मेहनत करना चाहेगा. और आजकल तो फेमस होने के लिए भी इतनी मेहनत नहीं लगती. बस चाइनीज ऐप डाउनलोड करो, थोड़ा सा मेकअप करो अपने फेस पे और दूसरों के सॉन्ग पे लिप सिंग करो और बन जाओ सुपरस्टार. अच्छा, आपको आईपॉड तो याद ही होगा, वो छोटा सा क्यूट सा MP3 प्लेयर. गाइस, इसे एप्पल ने लॉन्च किया था 2001 में, और 2001 से लेकर 2011 तक इसके सारे मॉडल्स ने मार्केट में एक अलग ही आग लगा रखी थी. और उस टाइम ये आईपॉड जिसके पास रहता था ना, उसका एक अलग ही स्वैग रहता था, और मेरे जैसे बच्चे तो इसे छुपा के स्कूल भी ले जाते थे. अब आईपॉड का जमाना गया बिकॉज ऑफ ऑल म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स. मतलब अब कोई भी सॉन्ग को फोन में स्टोर नहीं करता, सबके सब सॉन्ग ऑनलाइन ही सुन लेते हैं बिकॉज ऑफ द जियो इंटरनेट सर्विस. तो ऐसे ही एप्पल वॉच और आईपॉड के कॉम्बिनेशन का एक न्यू कॉन्सेप्ट एक कोरियन डिजाइनर योनसो कैंग ने इंट्रोड्यूस किया है. यार एक तो मैं इनके नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता. यार मुझे नहीं करनी ये वीडियो, मैं घर जा रहा हूँ. तो अब बात करते हैं इस केस के बारे में. गाइस, ये जो केस है ये एक एप्पल वॉच का है जो आपकी वॉच को एक आईपॉड बना देगा, और आप अपने म्यूजिक को बटन से कंट्रोल कर सकते हो जैसा आप आईपॉड में करते थे. और कंट्रोल से याद आया, अब इन्हें कौन कंट्रोल करेगा. खैर छोड़ो, अब बात करते हैं इस आईपॉड केस के बारे में. गाइस, इस केस में आपको वही पुराना क्लिक व्हील मिलेगा जिसमें ऊपर मेन्यू बटन, बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन, नीचे प्ले पॉज बटन पहले जैसा मिलेगा आपको. बस आपको अपनी वॉच उठा के इसके अंदर फिट करनी है, और ये वायरलेसली आपकी एयरपॉड से कनेक्ट होगा. और इस वॉच में आपको पीछे की साइड एक बड़ा सा होल भी मिलेगा जिससे आप अपने आईपॉड को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हो. और शायद मार्केट में इसके 3 अलग अलग कलर वेरियंट भी आ सकते हैं. बट अभी हम बात करते हैं कि क्या हमें इस एप्पल आईपॉड वॉच केस की जरूरत है भी या नहीं. तो सबसे पहली बात तो ये कि यार किसी भी आदमी के लिए अपनी एप्पल वॉच को बार बार उतार के आईपॉड केस में फिट करके म्यूजिक सुनना बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है. हालांकि ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट यार इसका प्रोसेस तो बहुत ज्यादा ही लंबा है ना. और शायद बहुत से लोग ये सब ना भी करना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग अपने फोन में म्यूजिक डायरेक्ट भी सुन सकते हैं. बट यार इसकी दूसरी साइड ये भी है कि बहुत सारे लोगों को सोते टाइम, वर्कआउट करते टाइम म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता है. और स्पेशली पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं जब रात में म्यूजिक सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश यार मेरे फोन में वो म्यूजिक चेंज करने के लिए बटन होता जैसा पहले आईपॉड में होता था. क्योंकि यार फोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ना, नींद खराब होती है. और शायद आप लोगों के साथ भी ये सब होता होगा, और कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि यार फोन में एक बटन होना चाहिए था म्यूजिक चेंज करने के लिए. क्योंकि यार सोते वक्त या कोई भी काम करते वक्त फोन को अनलॉक करके म्यूजिक चेंज करना बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम लगता है. और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो ये आईपॉड केस मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. और अगर ये मार्केट में लॉन्च हुआ ना, तो मैं इसे मोस्ट प्रोबेबली खरीद ही लूंगा. बट इसके लिए मेरे पास एक आईफोन भी तो होना चाहिए. आईफोन 250 रुपए का ट्राईपॉड, रिंग लाइट, मुंह पे बहुत सारा मेकअप, शाकाला का बूम बूम की पेंसिल वाले बाल और फालतू का टैलेंट इज इक्वल टू छोड़े यार. ओके गाइस, तो आप इस आईपॉड वॉच केस के बारे में क्या सोचते हो मेरे को कमेंट में बताओ. अगर ये लॉन्च हुआ तो आप इसे खरीदोगे या नहीं मेरे को कमेंट में जरूर बताना. और अगर सच बताऊं तो कॉन्सेप्ट तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, थैंक्स टू कोरियन डिजाइनर योनसो कैंग. यार मैं इसका नाम अभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाया. सो गाइस, दिस वॉज द वीडियो अबाउट एप्पल वॉच आईपॉड केस. होप यू लाइक इट. टेक केयर, बाय बाय. What is dangerous than coronavirus? Huh? Chinese app?